साइबर ठगी के जरिए लोगों से पैसे ऐंठने की खबरें तो आप रोज सुनते होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ठगी का ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है और आपको कोई कहे कि वो आपको 25 साल का जवान बना देगा तो आप क्या करेंगे? ये कहानी इसी से संबंधित है। 60 साल की उम्र के लोगों को इजराइल की मशीन से ऑक्सीजन थेरेपी के द्वारा 25 साल के बना देने का दावा करने करके सैकड़ों लोगों से ठगी की गई। अब जाकर पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। अगर आपकी उम्र 45 साल, 50 साल या 60 साल या इससे ज़्यादा है और एक एक मशीन की थेरेपी से आपकी उम्र आधी हो जाएगी तो आप गलतफहमी में हैं और समझ लीजिएगा कि आपको कोई ठगी का शिकार बना रहा है। ताज़ा मामला इसी प्रकार का है जो देश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आया है, जहां सैकड़ों बुजुर्ग और युवाओं को नौजवान बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई। 65 साल के बुजुर्ग को इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई मशीन से 65 साल से 25 साल का नौजवान बनाने का झांसा देकर साथियों ने जालसाजी की घटना को अंजाम दिया है। इसका शिकार अब तक सैकड़ों लोग हो चुके हैं और इस बार का खुलासा तब हुआ जब लोगों ने थेरेपी देने वाली मशीन के सामने बैठे तो उन्हें एहसास हुआ कि वो ठगी का शिकार हो गए हैं। इसके बाद पीड़ित लोगों ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से मिलकर शिकायत की और कानपुर के किदवई नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बताते चलें कि स्वरूप नगर निवासी रेणु सिंह चंदेल ने बताया कि राजीव कुमार और उनकी पत्नी रश्मि दुबे साकेत नगर में एक किराए का मकान लेकर रिवाइवल वर्ल्ड के नाम से संस्था चला रहे थे। आरोपियों ने बताया कि इजरायली वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित मशीन से बुजुर्गों को नौजवान बनाने की बात उन्होंने कही। रेणु और उनके साथियों ने इससे प्रभावित होकर इस संस्था से संपर्क किया और इसके बाद 64 साल से अधिक आयु के 35 लोगों को प्रेशराइज चैम्बर में 5 दिन तक शुद्ध ऑक्सीजन दी गई और इसके जरिए उनका दावा था कि 3 महीने में उनकी उम्र 25 साल के बराबर हो जाएगी। मामले की मेन शिकायतकर्ता रेणु ने बताया कि आरोपियों ने मशीन को इजराइल से 25 करोड़ रुपए में खरीदने की बात कही और लोगों से 2 स्कीमों में 6 लाख और 90 हज़ार रुपये निवेश करने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही स्कीम से लोगों को जोड़ने पर रिवार्ड और 50 आईडी एक साथ जोड़ने वालों को गिफ्ट हैम्पर देने की बात भी कही गई। इस पर उन्होंने 150 आईडी के लिए 9 लाख रुपए और व्यापार को बढ़ाने के लिए 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने एक साल में 3.5 लाख रुपए और 2.1 लाख रुपए प्रॉफिट देने का आश्वासन दिया। साल भर बाद आरोपियों ने 1,75,000 रुपए वापस किए। पैसे वापस मांगने पर उन्होंने प्लांट का काम जल्दी शुरू होने की बात कही। रेणु के मुताबिक इस दौरान आरोपियों ने तमाम लोगों से करीब 35 करोड़ रुपए ले लिए, लेकिन न तो उन्हें ऑक्सीजन बार दिया गया, न ही एचवाट हाइपर बैरक ऑक्सीजन थेरेपी की सुविधा दी गई। जानकारी मिली है कि आरोपियों ने नकली प्लांट तैयार किया और वे करोड़ों की धोखाधड़ी करके विदेश भागने की तैयारी में हैं। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से शिकायत की। इसके बाद कमिश्नर के आदेश पर किदवई नगर पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन लोगों ने पूरा सिंडिकेट तैयार किया था। सिंडिकेट के नाम से रिवाइवल वर्ल्ड के नाम से कंपनी बनाई गई हमारे शहर में, जो कि मिस्टर राजीव दुबे एंड की मिसेज रश्मि दुबे के द्वारा बनाई गई। और हम लोगों को चूँकि प्रोजेक्ट ये बताया गया कि ये एचबॉट हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के नाम पर इसको बताया कि जो मशीन इसराइल से आई है, इसराइल और अमेरिका के साइंटिस्ट ने इसको मतलब ईजाद किया है और इस पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है। फिर सबने R&D भी करी इसमें, चूँकि एचबॉट घर में मेरे कई डॉक्टर्स हैं तो सबसे मैंने बातचीत भी करी, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सबने दिया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको कर सकते हो। तो चूँकि 6,000 से स्टार्ट था थेरेपी, वो 6,000 से बढ़ बढ़ के 90,000 होने जाने वाला था, ऐसा इन्होंने प्लान जो बताया था। तो हर बंदा चाहता भाई 6,000 आज लगा देते, चलो एक साल बाद भी 90,000 में अगले साल थेरेपी तो ले लूँगा, क्योंकि उस थेरेपी में ऐसा बताया गया था 20 से 25 साल उम्र कम हो जा रही है। मैं ये नहीं कहती कि उसमें 60 साल का बंदा जाके 20 साल का निकल आता है, बट उसके जो ऑर्गन्स हैं, जैसा कि मिस्टर दुबे ने हम लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ये ऑर्गन्स और सेल्स पे काम करती है। आप लोगों ने चैन सिस्टम भी बनाया, बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा। जी सर। अब क्या स्थिति है, आपने क्या पुलिस से शिकायत की है? हाँ सर, मैंने FIR करी है। मेरे बहुत सारे लोग जो आपके सामने भी बैठे हुए हैं, कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व भी हैं, साथ में हैं मेरे, और हम चाहते सभी की FIR दर्ज हो, क्योंकि सब इंडिविजुअल FIR से
उनका एक होना बहुत जरूरी है। कानपुर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, मगर सैकड़ों लोगों से ठगी करने वाले दंपति पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मशीन ने बताया था कि अगर आप मशीन में 90 दिन का मतलब ट्रीटमेंट लेते, 60 दिन का 90,000 रुपए की थेरेपी थी, तो उसमें आप अपनी एज से लगभग 20 से 25 साल कम हो जाएंगे। अब ये चीज़ तो सभी को अच्छी लगती है, हम लोग को भी अच्छी लगी कि भाई कौन नहीं चाहता जवान रहना। तो हमने भी अपने पैसे लगाए, अपने घर वालों के लगा दिए और बहुत सारे मिलने वालों के पैसे लगवा दिए। बाद में जब ये मशीन 3 महीने 4 महीने के बाद जब ये मशीन आई, उसको देखा, तो हम लोग को लगा कि हम लोग का बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। उसके पहले हम लोगों ने जितना हो सकता था नेटवर्क बना दिया, पैसा लगा दिया। अब हमारे यहाँ पर कुछ था नहीं, सिर्फ यही था कि पैसा किस तरह हमारा वापस आ जाए, तो पैसा भी वापस नहीं आया और हम ठगी का शिकार हो गए। मुझे एक स्कीम के बारे में बताया गया, रिवाइवल कंपनी के बारे में, और उनके ऑफिस साकेत नगर में मुझे बुलाया गया, और वहाँ पर एक राजीव दुबे जी नाम के पर्सन थे जो उस कंपनी के ऑनर थे। उन्होंने मुझे बताया कि एक मशीन है जिससे इंसान की जो लाइफ है 20 साल पीछे हो जाएगी, उनके ऑर्गन्स जितने डैमेज हैं वो सही हो जाएंगे। और ये उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको डेमोंस्ट्रेट किया कि हम एकदम उसको समझ लिया कि वो सही है। और बताया कि ये इज़राइल और अमेरिका की मशीन है, इन्होंने वहाँ के साइंटिस्टों ने इसे ईजाद किया है, और उसका चूँकि उसका ऑनलाइन भी बहुत सारे डेटा अवेलेबल था, हमने उसको देखा, रिसर्च किया और वो सही निकला। लेकिन जब उन्होंने वो मशीन उन्होंने इनॉग्रेट किया, वो मशीन लगी, जब हमने उसको देखा, तो मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं कि वो एक्चुअल में वही मशीन है जो हमने ऑनलाइन देखी है। मुझे लगा कि वो डुप्लीकेट ऐसे ही एक डिब्बा बना दिया गया है, उसके अंदर चीज़ें फिट कर दी गई हैं और वो ठगी कर रहे हैं। जब इसके पेपर्स हम लोगों ने मांगे कि हाँ आपने एक्सपोर्ट किया है बाहर से, किसी देश से मंगाया, तो कुछ पेपर्स होंगे, तो उन्होंने उसको पेपर को दिखाने से डिनाई कर दिया। हमारे भी घर UP News 9 के लिए कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।